ट इज़ अ रोड साइड स्टैंड से ही हमें कुछ समझ में आ रहा है जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं सिटी के बाहर एरिया में जब जाते हैं जो आउटस्कर्ट्स पे सिचुएटेड है तो रोड के जो एडजेंट में रोड के जो बॉर्डर में कुछ ऐसी छोटी छोटी जो शॉप्स बनी रहती हैं ऐसा लगता है कि वो एक स्टैंड सा लगाया और उस पर वो टेम्परेरी शॉर्ट ऑफ कुछ सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स टू अर्न देअर लाइवलीहुड तो उसको यहाँ पर रेफर रेफर किया गया एज रोड साइड स्टैंड अब रोड की साइड पर मतलब सिटी के बाहर जो रोड साइड्स होती हैं जो हाईवे पर मेजरली हम लोग ट्रेवल करते हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ ना कुछ छोटे छोटे से वेंडर्स हैं कुछ ना कुछ सेल कर रहे और जो शॉप्स है वो पर्मानेंट नहीं होती वो टेम्प्रेरी शॉर्ट ऑफ लगती हैं तो यहां पे पोम पोएट जो है हमारे इस पोम में उनके बारे में कुछ एड्रेस करना चाहते हैं उनकी लाइफ के बारे में, thoughts के बारे में उनके के उनके के बारे बारे में में जिसको आज हम इस entire video में समझने वाले हैं सो कम ऑल डियर ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एस्पिरेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रोवोकिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल पोम विच इज रिटन बाय ली फ्रॉस्ट सो so, सबसे पहले हम समझते हैं अ वेरी ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटायर पोम जैसे कि मैंने बताया कि ये पोम रिलेट करती है उन रोड साइड वेंडर्स के लिए तो ये पोम में उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो सफरिंग्स हैं है, उनका जो पेन है जो मिजरेबल लाइफ वो लीड करे उसके बारे में बताया गया और पोएट बहुत सक्सेसफुली उनकी प्रॉब्लम्स को हम सिटी ड्वेलर्स को जो सिटी में जो लोग रहते हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं उनको प्रोवोक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका अटेंशन ग्रैप करना चाहते हैं इन लोगों की तरफ और आई डिलीपोट इन लोगों की तरफ से ही उन सिटी ड्वेलर्स को अपील कर रहे हैं ताकि इनका ध्यान सिटी ड्वेलर्स का ध्यान इन आउटसाइड स्कर्ट्स पे जो सिचुएटेड शॉप्स हैं इन पर जाए और एज अ ऑफ

रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ये बहुत ही सिंपल स्टाइल में पोम्स को लिखते थे और बहुत रियलिटी को बहुत कन्विंग बहुत ही अपीलिंग वे में अप्रोच करते थे सो इस स्टाइल ऑफ राइटिंग रियलिस्टिक डिपिक्शन बहुत ही रियल तरीके से डिपिक्ट करते थे ऑफ रूरल लाइफ एंड एंडलेस रेफरेंस टू नेचर मेड एम वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पोएट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री तो किस चीज़ की वजह से बहुत ही पॉपुलर हो गए अपनी स्टाइल अपने सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग की वजह से ये जो पोम्स लिखते थे बहुत ही इनका सिंपल स्टाइल होता बहुत ही आर्टिकुलेटेड नहीं होता था बहुत ही फैब्रिकेटेड नहीं होता था दैट वाज वेरी रियलिस्टिक वे में वो डिपिक्ट करते थे किसको उनका मेजर जो कंजर्न था वो इम्पावरज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रहता था जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इनका मेजर कंजर्न लोगों की तरफ रहता था ऑफ रूरल लाइफ एंड एंडलेस रेफरेंस टू नेचर और नेचर को तो एंडलेस रेफरेंस था उनका मतलब तो नेचर को हर पोम में कहीं ना कहीं से वो इंक्लूड करते ही करते थे um, विच मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और इन्हीं दो क्वालिटीज की वजह से एक चीज़ जो इतना रियलिस्टिक वे में जो डिप्राइव्ड uh, सेक्शन की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते थे नेचर लवर थे नेचर को कितने अच्छे से अपनी पोम्स में इंकलकेट करते थे और इनका जो पोएम का पोम्स का राइटिंग का स्टाइल था वो बहुत ही सिंपल राइटिंग स्टाइल था तो इन क्वालिटीज़ की वजह से ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन द अमेरिकन हिस्ट्री हिस्ट्री

सो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को पल्सर अवार्ड मिला था किस चीज़ के लिए जो पोएट्री के लिए दिया जाता है वो चार बार इस प्राइज को उन्होंने क्राउन करा है सो दिस इज ऑल अबाउट अभी हमने क्या समझा पोएट के बारे में Now let's start reading the poem word by word. So the little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. अब ये है हमारी first line. यहाँ पे क्या बोला गया? The little old house. ये बात कर रहे हैं उस छोटे से उस छोटे से घर में. वो घर exactly वो पक्का house नहीं है. वो कच्चा कच्चा मग घर है. जो hut जिसे हम exactly बोल सकते हैं. जो तीन Sheds या ऐसी वुडन शेड से बना होता है सा वो जो छोटा सा वो जो पुराना सा जो घर था कच्चा घर वो आउट लिटिल न्यू शेड अब वो अब वो थोड़ा सा नया बन गया उसकी शेड एक घर जैसे आप इमेजिन करिए ये घर है और घर के बाहर तक एक शेड आ गया वो शेड क्यों वहाँ पे वो कुछ सामान रखने वाले हैं जो वो सेल करेंगे और जिससे उनको कैश uh, मिलेगा और जिससे उनकी लाइवलीहुड अच्छी होगी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे विदिल न्यू शेड इन फ्रंट Uh, अपने फ्रंट में लिटिल न्यू शेड है एट ऑफ़ द रोड वेयर ट्रैफिक स्पेड और ये कहाँ पर है एट दी एज ऑफ द रोड ये जो रोड है रोड के किनारे पर रोड साइड पर वेयर दी ट्राफिक स्पीड अब जहाँ पर ट्राफिक बहुत स्पीड से हाईवेज पर गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ इस ट्राफिक स्पीड को बोलने का मतलब है कि जहाँ पे ट्राफिक भीड़ में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं तेज तेज चल के चली जाती है और ये बोलने का कंजर्न पोएट का यहाँ पर यह है कि हु इवन डोंट डेयर टू लुक एट दोज रोड साइड स्टैंड वो इतनी स्पीड में आती हैं चली जाती है स्ट्रेट अहेड से और दे डोट इवन डेयर टू लुक एट की साइड में कुछ वेंडर्स हैं हम uh, थोड़ा सा पॉज ले लें थोड़ा सा स्पीड को रोक लें और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वेट करें रुक जाएँ और उनसे पूछें कि क्या बेच रहे हो उनके प्राइजेस पूछें उनसे कुछ लेने की कोशिश करें तो इस कंसर्न से यहाँ पर पहली लाइन को लिखा गया ट्राफिक स्पेट स्पेट इज द रेट एट समन और समथिंग मूव जो बहुत फास्ट पेस से जो गाड़िया मूव कर

तो उसको यहाँ पर रेफर कर रहे हैं तो रोड साइड जो स्टैंड है वो जो शेड है दैट टू पैथेटिकली प्लेट वो भी बहुत ही पैथेटिकली बहुत ही पेनफुल तरीके से बहुत ही पुअर तरीके से वो भी प्लीड कर रहा है वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी अर्ज कर रहा है कि अब तो तुम तो मेरी तरफ देख लो अब तो मेरे से मेरी शॉप पर आ जाओ कुछ लेने के लिए सो इट नॉट बी फेयर टू से डोल ऑफ ब्रेड अब पे डोल का मतलब डोनेशन या चैरिटी से है सो लेट्स सी अ चैरिटेबल गिफ्ट ऑफ फूड क्लोथ्स और मनी कोई भी चीज को जब हम दान में दे देते हैं विदाउट मनी uh, वो हम चैरिटी या डोनेट करते हैं तो यहां पर बोला है कि ये जो रोड साइड जो स्टैंड वाले जो ओनर्स है जिनका रोड साइड स्टैंड होता है वो जो गरीब तबके के जो लोग हैं दे वुड नॉट बी फेयर इट वुड नॉट बी फेयर टू फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड कि वो लोग कोई भीख नहीं मांग रहे वो लोग बेग नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ खाने को दे दो हमें कुछ कपड़े पहनने को दे दो जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी अच्छी दे नॉट इवन बैगिंग वो वो अपनी मेहनत मेहनत कर रहे हैं हैं और के के रिटर्न में वो चाहते हैं कि जो सिटी के जो सिटी लोग हैं जो इतने अमीर लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में हाईवे से ट्रेवल करके तेज स्पीड में गाड़ियां चला के जा रहे हैं वो एटलीस्ट थोड़ा सा हॉल्ट ले हमारी शॉप्स पर और एटलीस्ट एक दो चीज तो परचेज कर ले जो उनकी डे टू डे नीड्स को उनकी डे टू डे नीड्स को भी सेटिस्फाई हो जाए और इनको भी लाइवलीहुड का सोर्स मिल जाए जिससे इनका लाइफ थोड़ा सा अच्छे से चल जाए अच्छे से क्या चलेगा लाइक बेसिक नीड्स इनकी फुलफिल हो सकेंगी देन बट फॉर सम ऑफ़ द मनी द कैश हुज़ फ्लो सपोर्ट्स अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट ये ये बात सही नहीं होगी कि हम बोलें कि वो लोग हमसे भीख मांग रहे हैं चैरिटी कलेक्ट कर रहे हैं डोनेशन ले रहे हैं खाने के लिए बट फॉर सम ऑफ द मनी ये सब इन चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं बट किसके लिए कर रहे हैं फॉर सम ऑफ़ द मनी कि थोड़ा सा उनको सिटीज के लोगों से थोड़ा सा पैसा मिल सके थोड़ी सी कैश मिल सके हुज़ फ्लो सपोर्ट जब कैश फ्लो उनके पास कैश इनफ्लो करेगा तो उनसे उनके क्या होगा उनकी लाइफ थोड़ी सी उसको लाइफ को अपनी सपोर्ट कर सकेंगे खाने पीने की चीजें अच्छे से ले लेंगे पहनने के लिए कपड़े ढंग के ले लेंगे तो ये चीज़ें बोल रहे हैं कि इन दिस वे देयर लाइफ वुड बी बिट सपोर्टेड द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट अब यहाँ पर क्या बोला है ये जो फ्लावर ऑफ सिटीज़ है ये जो फ्लावर ऑफ़ सिटीज के जो लग्जरीज होती है हमारी सिटीज़ में गाड़ी बंगला बड़ी बड़ी, बड़ी चीजें तो ये जो जितनी भी ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो हमें आ, इन चीज़ों की तरफ और अट्रैक्ट करती हैं और ये जो फैंटसीज हैं सारी उनको यहाँ पर रेफर किया गया सो द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट और इससे क्या होगा uh, ये लाइन इससे कनेक्ट हो रही है बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश व्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंड अभी जो फ्लावर ऑफ सिटीज हैं जितनी भी जरूरत की जो चीजें हैं ये सिंक होने से ये डूबने से ये फेड होने से ये बच जाएंगी और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें जो हमारे लिए वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं शायद वो चीज़ें हमें भी मिल जाएँ और हमारी लाइफ इससे थोड़ी सी ईज हो जाए तो दिस इज़ द मैसेज अबाउट दिस लेट्स रीड फर्दर द पॉलिस्ड ट्राफिक पासड विद द दाइंड हेड ये पॉलिस्ड ट्राफिक किसको बोला गया है बिल्कुल पॉलिश चमचमाती जो बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं हाईवे से तेज स्पीड में जो निकलती है द पॉलिश ट्राफिक माइंड हेड अब जो गाड़ी जो चला रहे होते बड़ी बड़ी जो चमचमाती गाड़ियों को जो चला रहे होते उनका ध्यान बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाता प्रभावली क्योंकि वो हाईवे पर ड्राइव कर रहे होते तो उनका बिल्कुल फोकस सीधी तरफ रहता है वो देखते तक नहीं है जो साइड इतनी सारी चीजें वो क्या हैं एक मिनट के लिए थोड़ा रुक के तो देखें और इफ एवर असाइड अ अट और एक पल के लिए वो एक एक पल के लिए भी वो उन आ, जो पुअर रोड साइड स्टैंड पे जो वेंडर्स होते हैं उनको देखते तक नहीं है देन आउट ऑफ शॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एंड एंड स्टेंड रॉन्ग अब यहाँ पे क्या बोला गया है uh, कि देन आउट ऑफ शॉट एट हैविंग और फिर अगर उनको लाइक आउट ऑफ शॉट उनको अगर देखना ही बड़ा मजबूरी में अगर बाइ डिफोर्ड उनकी गाड़ी थोड़ा स्लो हो जाए और गलती जो चला भी जाए तो वो लोग क्या देखते हैं आउट जो है, उन्होंने जो हुई है, वहां से उस जगह हाईवे को जब हम क्रॉस करते हैं तो आसपास की ब्यूटी जो लैंडस्केप्स होते हैं उनको अच्छे से डेकोरेट किया हुआ बट ये लोग आके अपनी वहां पे कुछ दुकान लगा लेते हैं तो वहां की ब्यूटी खत्म हो रही है स्पॉइल हो रही है मार्ड हो रही है विद द आर्ट लेस पेंट अब वो जो बोल रहे हैं कि वो इसकी जगह अगर ये इनकी दुकानें नहीं होती तो अगर हम ट्रेवल कर रहे होते तो जो हमारे पीछे जो फैमिली है या हम लोग को बहुत अच्छा लगता आस पास की सराउंडिंग देखने बट अब क्या हो गया है कि इन लोगों ने अपनी टपरे से यू नो झुग्गी टाइप की ऐसी शॉप है जिसको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा तो वो क्या बोल रहे हैं कि विच इज एग्जैक्टली मारिंग स्पॉइलिंग विद द आर्ट लेस पेंट जिसमें कोई आर्ट भी नहीं ये इस तब बुरी तरीके से वो बनाई गई है और साइंस That with, wrong, and wrong. और वहां पर जो ऐसे साइन बोर्ड्स हैं वो यही अगर गलती से उनकी गाड़ी थोड़ी सी रुक भी जाती है स्पीड अगर थोड़ी स्लो होती है तो वो उनको ना देख के वो इन चीजों पर देखते रहते हैं क्या देखते हैं कि वहाँ का लैंडस्केप जो है कितना आर्टलेस तरीके से कितना यू नो ऑकवर्ड तरीके से इतना अगली तरीके से पेंट किया गया है और वहां पर जो साइन बोर्ड्स है वो उसमें ये देखते हैं कि एन टर्न एन और एस क्या उल्टा हो गया मतलब इनको उल्ट उल्टा करके देखोगे दोनों को मिरर इमेज बना लो या उल्टा कर दो तो एन और एस ऐसे ही रहेंगे तो वो उसमें अपना दिमाग लगाते हैं वो क्या बोलते हैं एन टर्न रॉन्ग इन एस टर्न रॉन्ग वो इसी में अपना दिमाग लगाते हैं रादर की वो उन लोगों को देखने में बिलीव नहीं करते हैं जो जो प्लीड कर रहे हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो अर्ज कर रहे हैं हम लोगों से कि शायद हम लोग उनसे कुछ सामान ले लें वो उनको नोटिस नहीं करते हैं बल्कि वो क्या नोटिस करते हैं वहाँ पर जो साइन बोर्ड हैं उसमें दिमाग लगाते हैं कि एन उल्टा है और ये एस उल्टा है <coughs> ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वाट्स अब आ, वो लोग क्या दे रहे होते उनके जो आ, जो शेड बनाया हुआ था जो रोड साइड स्टैंड में वो क्या ऑफर कर रहे थे वुडन बेरीज आ, बेरीज दे रहे थे वाइल्ड बेरीज दे रहे थे वुडन के कार्ट में मतलब वुडन के जो कंटेनर्स या जो वेसल्स होते हैं उसमें वाइल्ड बेरीज रखी हुई थी और गोल्डन स्कवाश वो लोग दे रहे थे लोगों को सो ऑफर फॉर सेल क्या बेचने के लिए वाइल्ड बेरी रीज इन वुडन क्वाच क्वाच्स यहाँ पे किसको रेफर करा? है. कर करा बॉटल या कंटेनर जिसमें कोई चीज को होल्ड किया जाता है कंटेन करने के लिए यूज करते हैं तो उनके पास वाइल्ड बेरीज थी वुडन वुल्डन वॉच और क्या था उनके पास क्रूप नेक्ड आपने जैसे बिटर गोड देखा करेला देखा है करेला जब रोट हो जा रोटन हो जाता है राइप हो जाता है तो वो गोल्डन येलो कलर का बन जाता है और उसके ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी ऐसी ऐसी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि इस पर वॉट्स आ गए हैं तो एग्जैक्टली ये जो ऐसी शेप है ऐसा कुछ शेप समझ लो और बिटेगॉट जैसा और ये क्रूक नेक्ड है ये और इसपे ऐसे ऐसे वॉट्स हैं ये गोल्ड इसका जो कलर रहता है वो होता तो है गोल्डन गोल्डन या येलो बोल सकते हो आप कुछ भी तो यहाँ पर क्रूक नेक्ड जो ऐसी क्रूक नेक्ड है स्क्वाश विथ सिल्वर वॉट्स और इस पर ये जो वॉट्स है ये कौन से कलर के हैं सिल्वर कलर के वॉट्स बने हुए हैं सो वॉड जैसे हमें स्किन पे वॉट्स हो जाते हैं ना टैग्स जिसे हम बोलते हैं तो वो ऐसे ऐसे उठे 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 ऐसे वॉट्स बन गए हैं अब वो क्या दे रहे हैं गोल्डन कलर की एक स्क्वैश बनाते हैं स्क्वैश क्या होता है जैसे हम घरों पर लेमन जूस लेमन को स्क्वीज करके उसमें शुगर ऐड करके लेमन की स्क्वैश बना ऑरेंज तो ऐसे ही वो लोग इस फ्रूट से क्या बनाते, बनाते सेल, सेल वाइल्ड बेरीज जिसको उन्होंने आ, बड़े बड़े कंटेनर्स में कंटेन करके रखा हुआ और दूसरी चीज वो स्क्वास गोल्डन स्क्वाश देते हैं जो किसकी बनी हुई है क्रूक नेक्ड गोल्डन जिसमें वाइट सिल्वर जिसमें सिल्वर वॉट्स होते हैं और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन

और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन और ये क्या दे, देखते हैं मतलब ये उस शॉप को ना देखते हुए जो रोड साइड की जो ब्यूटी है कहीं बार रोड साइड में माउंटेन्स भी होते हैं तो उन माउंटेन्स की जो ब्यूटी होती है और द ब्यूटी विच रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन जब हम सीनिक uh, ब्यूटी बताना चाह रहे हैं वो जब हम हाईवेज पर जाते हैं आउटस्कर्ट्स में होते हैं तो कई बार छोटे छोटे ऐसे पहाड़ होते हैं ऐसे बहुत सीनिक ब्यूटी कभी राइजिंग सन होता है तो कभी सेटिंग ऑफ सन होता है और माउंटेन्स के पीछे छुपा हुआ ऐसा लगता है सीनरी का व्यू देता है तो कभी वो लोग उन चीज़ों को नोटिस करते हैं बट तो जो बिल्कुल इमिजिएट होती है उन पे वो लोग ग्लैंड तक करना पसंद नहीं करते हैं You have the money but if you want uh, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? A here, poet Robert Lee Frost uh, un, un, uh, jo outskirts. Pe, wo jo, uh, पुअर जो लोग हैं जो अपने शेड पे कुछ बेच रहे हैं उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी तरफ से क्या बोल रहे हैं यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन कि तुम लोग तुम लोग मतलब सिटी ड्वेलर्स की तुम्हारे पास अगर पैसा है तुम इतने मीन क्यों इतने कंजूस क्यों आप पैसे का क्या करोगे बचा के सो बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन यू हैव द मनी तुम्हारे पास मनी है तुम लोग तो शहरों में रहते हो बहुत सारे तुम्हारे पास Sources of income होते हैं। तुम लोग बहुत अमीर पास तो बहुत सारा पैसा होता है है so, लेकिन अगर तुम इतना mean, इतना selfish होना, इतना कंजूस होना होना कंजूस तो अपनी मनी को अपने पास ही क्यों रखा है क्या करोगे उसको आगे ले जाके वाई और ये दिस क्रॉसली यहाँ पर बहुत ही रूड वे में यूज किया गया है तो यहाँ पर जो वो पुअर पीपल हैं वो उनके पर पोएट बोल रहे हैं कि कि क्या करोगे ऐसा पैसे का कि अगर आपने किसी नीडी की हेल्प नहीं करी तो ऐसा पैसा किस काम का आएगा सो योर मनी इतना रूडली एंड गो अलोंग अपने पैसे को अपने पास संभाल के क्यों रखते हो और आगे जाए जा रहे हो क्या करोगे क्या ऐसे पैसे को ऊपर लेके जाओगे क्या द हर्ट टू दीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन्ट अब वो बोल रहे हैं जो हर्ट हुआ है सीनरी को सीनरी को क्यों हर्ट हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं वो सीनिक जो व्यू बन रहा था हाईवे की रोड की साइड में उसमें अगर कोई शेड टपरी जैसी कोई दुकान खुल जाएगी उसमें कुछ कुछ ऐसे पैकेट्स लगे हुए हैं वहां पर कुछ चाय बन रही है या फिर वो लोग कुछ सेल कर रहे तो कहीं कही ना कहीं वहां की ब्यूटी थोड़ी सी डिस्टॉट हो जाती है थोड़ी सी डैमेज थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है बिकॉज उसमें वो बैरियर आ जाता है तो वो बोल रहे हैं कि जो हर्ट

पेन हो रहा है को जो पेन हो रहा है सो मच एज किसे बोला है तो वो जो वेंडर्स हैं वो जो रोड साइड स्टैंड में जो पुआ पीपल है वो जो कुछ सेल कर रहे हैं वो उस वि विंडो के पीछे ऐसी कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई गाड़ी वाला अब रोकेगा और हमसे कुछ लेगा सो सो मच एज द ट्रस्ट को इतनी उम्मीद थी अब कोई ना कोई तो जरूर रोकेगा और हमसे सामान के बारे में पूछेगा क्या दे रहे हो कितने का दे रहे हो और इतना हमें दे दो तो ये जो ट्रस्ट था उसकी वजह से जो उनको सौरव होता है वट इज़ आंसेड और वो जो बोल भी नहीं पाते वो चुप करके चले वो किसको बोलने जाएंगे कोई नहीं है उनकी बात को सुनने के लिए बस वो उस उम्मीद में बैठे रहते हैं और जब उनका ट्रस्ट पूरा नहीं होता तो उनको बहुत ही सौरव फ़ील होता है उनको बहुत ही बुरा फ़ील होता है है अ फार फ्राम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड और वो यहाँ पर बोलते हैं कि हम सिटी से दूर हम शहर में भी नहीं रहते हम शहरों से दूर जहाँ पे कोई बेसिक uh, फैसिलिटीज़ uh, भी नहीं है इम्यूनिटीज़ भी नहीं है

इस उम्मीद से कि शायद कोई हम हमारे पास आए और हम उनको कुछ नीड्स की चीजें दे सके जिससे कि हमारे पास कैश इनफ्लो आए एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई विल नॉट मेक अब और बोल रहे हैं व्हाई एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो शहर से दूर क्यों अपना रोड साइड स्टैंड लगाया उन्होंने क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो सम सिटी मनी जो शहर के जो लोग आते हैं उनके जो पैसे हैं वो सिटी मनी को रेफर कर रहे हैं तो शहर के लोगों के पास जो पैसा है वो शायद थोड़ा सा हमें पैसे दे दें अपने हमारी चीज़ों को लेकर और उस हम मनी को अपने हाथ में फील करना चाहते हैं तो ये जो वर्ड है सर टू फील इन हैंड इससे साउंड कर रहा है कि उन्हें बहुत दिनों से किसी से आ, उन लोगों से किसी ने कुछ परचेज ही नहीं करा और उनको वो फिजिकल कैश हाथ में नहीं मिला वो एटलीस्ट उसको फील करना चाहते हैं टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बींगसपैंड टू ट्राई और वो कोशिश करना चाहते हैं टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बींग और वो ये ट्राई करना चाहते हैं कि वो अगर वो कैश हम वो सिटी मनी अगर हमारे पास थोड़ा सा आ जाए तो इससे क्या हमारी जो लिविंग बीइंग है जो हमारी जो लाइफ लाइफ स्टाइल इससे क्या थोड़ी एक्सपैंड हो जाए क्या थोड़ी इम्प्रूव हो जाए क्या थोड़ी बेटरमेंट की तरफ चली जाए कि अगर ये पैसा आएगा इससे हम थोड़ा सा अच्छा खाने को लेंगे हम अच्छे पहनने के कपड़े लेंगे अपनी शॉप को थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे इससे क्या होगा उनका जो लाइफ स्टाइल है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा थोड़ा सा बेटर हो जाएगा जिसको यहाँ पर वो एक्सपैंड बोल रहे हैं एंड गिव अज द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स ड्रामिज और बोल रहे हैं और ये शायद यहाँ पे मूविंग पिक्चर्स किस को रेफर किया गया है मतलब uh, वो जो सीन्स एक के बाद एक मूव करते रहते हैं कहाँ पर मूवीज पर सो मूविंग पिक्चर है रेफर टू मूवीज और वो बोल रहे हैं कि जिससे उनकी लाइफ एक्सपैंड हो जाएगी और उससे उनको क्या फील आएगा जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि अच्छे अच्छे लोग हैं अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनका लाइफ है तो वो वैसा फील करना चाहते हैं एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स फ्राम इस और जैसा मूवीज़ में जो दिखाया जाता है तो क्या हम भी अपनी लाइफ को वैसा इमेजिन कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं ऐसा करने की दैट द पार्टी इन पार इज सेट टू बी कीपिंग फ्राम एस और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये जो पार्टी इन पार है अब पार्टी इन पार यहाँ पर किन लोगों को रेफर किया गया है तो यहाँ पर पार्टी इन पार सबसे पहली चीज़ किस को रेफर किया गया है पॉलिटिशियंस को यहाँ पर रेफर किया गया है रिच पीपल को जो स्वीट, जो सिटी ड्वेलर्स हैं या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हो पार्टी इनप पार, जो भी नेता लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं रिच बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं जो इनको ऐसे सपने दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा अच्छा कर देंगे तुम्हारी शॉप को बहुत अच्छा बना देंगे तुम सिटी में आ जाओ और फाइनली उनका लैंड भी चला जाता उनकी वो जगह भी चली जाती है और सिटी में वो सरवाइव भी नहीं कर पाते तो यहाँ पे उनको बोला गया दैट द पार्टी इन पार इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस और जो पार्टी इन पार जो पॉलिटिशियन जो रिच पीपल जो बिल्डर्स हैं यहाँ पे कि उन्होंने जो हमसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक बेटर लाइफ मिलेगी आपका लाइफ बहुत अच्छा। अच्छा हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो जो फंड बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं जो इमर सेक्शन है उनके नाम पर जो फंड जनरेट करते हैं गवर्नमेंट से वो उनको तो देते ही नहीं है वो अपने पास ही रख लेते हैं तो इसीलिए बोला है बिकॉज उनके पास पार होती है सो दैट द पार्ट इन बी कीपिंग फ्रॉम अस जो हमसे दूर रखते हैं जो हमारी चीज़ें वो हमें नहीं देते हैं

इतने जो नीच लोग बताने के लिए यूज करें इतने करप्टेड लोग हैं वो सब जो अभी हमने रेफर करा था कि जितने भी रिच पीपल हैं जो पार्टी इन पावर है जो पोलिटिशियंस हैं या फिर जो बड़े बड़े बिल्डर्स उनकी फैमिलीज हैं उनके जो वो जो पूरा ग्रुप है दे आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज अब वो क्या करते हैं ये न्यूज़ में ऐसा आता रहता है कि जो बड़े लोग हैं ये हम गरीबों के पास आएंगे और हमारे लिए उन्होंने जो पैसा फंड रेज करा है गवर्नमेंट से हमें प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हम आ, सिटी में मूव करें और हमें वहाँ पर अच्छी जगह दी जाएगी ताकि हम अपना लाइफ अच्छा कर सकें हमें सारे रिसोर्सेज मिलेंगे अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए हमारी लाइफ बहुत ईज और कम्फर्ट वाली हो जाएगी और अच्छा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी मिलेगा तो ये सारी जो चीज़ें ये तो कभी होती ही नहीं है सो so, इट इज इन द न्यूज ऑल दिस ब्यूटिफुल आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही दया भाव से दे गैदर इन टू लिव इन विजेज नेक्स्ट टू द थियेटर एंड द स्टोर और ऐसे हमसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको सिटी में जगह मिलेगी कहाँ पर और आप थियेटर या स्टोर के आस पास आप रहना शुरू कर दोगे वेअर दे वै टू थिंक फॉर देम सेल्व एनी वोट जहाँ पर उनको अपनी बेसिक नीड्स डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा उनको बिल्कुल ये सोचना नहीं पड़ेगा यार अब कौन सी गाड़ी रुकेगी हमारा कुछ प्रोडक्ट लेगी और हमें थोड़े से पैसे मिलेंगे जिससे हम अपना कुछ खाना लेंगे हमें अच्छे कपड़े मिलेंगे उनको ऐसा तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा ही नहीं वाई ग्रीडी गुड बीस्ट ऑफ प्रे अब यहां पर ये यह क्या बोल रहे हैं जो ग्रीडी गुड है कि दिखा तो ये ऐसा रहे हैं कि हमारा बहुत भला चाहते हैं ये गुड डुअर्स बन रहे हैं ना कि हमें शहर में जगह देंगे हमें विलेज से वहां पर मूव करेंगे बेटर लाइफ होगी अच्छा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होगा वहाँ पे तो ज़्यादा लोग रहते हैं तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमें वहाँ पे सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं तो हमारी लाइफ कितनी सेफ़ होगी कितनी कम्फर्ट में होगी कितनी ईजी होगी तो ये सारी जो सोच है तो यहाँ पर उनको बोला गया वाई ग्रीडी गुड डूअर्स सो तो ये जो लालची होते हैं इनका खुद का बेनिफिट है ये सेल्फिश होते हैं ये अपने बेनिफिट के लिए उनको ना उधर का छोड़ते हैं और यहाँ तो वो सरवाइव कर ही नहीं पाते उधर का क्यों नहीं छोड़ते बिकॉज वहाँ से तो उनको रिमूव करा देते हैं रोड साइड्स को क्लियर करने के लिए उनको कुछ बिल्डिंग बनानी होती है या उनको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर सेटअप करना होता है या फिर उनको वहाँ पर कुछ अपने पर्सनल काम के लिए जगह चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं जो ग्रीडी है जो लालची है जो सेल्फिश अच्छा सो कॉल्ड गुड डूअर्स ऐसा दिखाते हैं ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारा भला कर रहे हैं बट एक्चुअली नहीं करते बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे अब बेनिफिशियंट यहाँ पे किसको बोला गया यहाँ पे चैरिटेबल बीस्ट ऑफ प्रे बनते हैं ये हमारा कि आ, हमें ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारा बहुत भला काम कर रहे हैं बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं बट एग्जैक्टली क्या करते हैं बीस्ट ऑफ प्रे ये अपना शिकार ढूंढते हैं और हम उनका शिकार बन जाते हैं और हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं अपनी बातों में कन्विंस कर लेते हैं और एंड ऑफ द डे गेम खत्म हो जाता है सो दिस इज वॉट द पोट वॉन्ट्स टू स्पीक नाउ

भोले भाले इंसानों का शिकार कर लेते हैं उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं ये लोग स्वैम ओवर देयर लाइव इनफोर्सिंग स्वैम यहां पे क्या बोल बोले अ लार्ज और डेंस ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स इंसेक्ट मतलब ये जब uh, किसी पे कोई शिकार करना हो तो एक बड़े झुंड एक यू नो ऐसी कोई थ्रेटनिंग डोमिनेटिंग चीज बताने के लिए तो ये क्या करते हैं स्वैम ओवर देयर लाइव उनकी लाइव्स को कवर कर लेते हैं उनकी लाइफ पे झपट्टा मार लेते हैं इनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर

हमारी बात को फॉलो करेंगे एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप और उनको ये भी बताते हैं कि हाउ टू स्लीप स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए बिक्ज यहाँ पर स्लीप पैटर्न को क्यों रेज करा गया है <coughs> ये जो पुअ पीपल है ये जो हार्ड वर्किंग लोग है रोड साइड स्टैंड है एक वहाँ पर तो ढंग से सो पूरा दिन तो ये सो नहीं पाते इस उम्मीद से कि कोई गाड़ी आए गाड़ी वाला आएगा और रोकेगा और उनसे कुछ सामान लेगा तो ये थॉट के साथ वो पूरा टाइम दिन में अवेक रहते हैं और इतना हार्डवर्क करते हैं इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि जिसकी वजह से वो सिर्फ रात को ही नींद लेते हैं तो यहां पर ये यह जो जो ऐसे हमने हमने अभी लास्ट स्लाइड जिसे हमने बोला है, तो जो आप लोग पूरा दिन काम करते हो एक मिनट भी नहीं सो पाते बस को ही सोते हो तो ऐसा नहीं होगा शहर में आप पूरा आराम करना पूरा दिन सोते रहना बढ़िया वहां पर बहुत अच्छी लाइफ होगी तो देम हाउ टू स्लीप हाउ टू स्लीपीप ऑल डे डिंग एट नाइट वे अब उनको सिखा देते हैं कि आपको पूरा दिन सोने को मिलेगा बढ़िया कोई काम का लोड नहीं है आप आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं हम आपको बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम भी दे देंगे तो अब ये उनकी बातों में आ जाते हैं जिसकी वजह से जो उनका एक्चुअल जो रूटीन है वो उसको भी ब्रेक कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम शहर में जाकर तो आप पूरा आराम ही कर रहे हैं तो चलो यहां पर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा फोर्ड कर लेते हैं अब हम इतनी मेहनत क्यों करें क्योंकि शहर में तो हमें जाना ही है पूरा फुल आराम करना पूरा टाइम सोना ही सोना है तो अभी क्यों करें तो वो दिन में भी रेस्ट करने लग जाते हैं रात को भी सोते हैं इससे क्या होता है जो उनका एंशंट जो उनकी प्रैक्टिस थी जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी जो पुराने समय से वो पूरा दिन काम करते हैं और रात को सोते हैं ये जो रूटीन था वो भी उनका ब्रेक हो जाता है वो भी उनका खराब रूटीन हो जाता है डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एनशेंट वे और ये जो उनका रूटीन है जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने समय से वो भी उनका रूटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है या खराब हो जाता है किसकी वजह से इन पिटीफुल किन की वजह से जो उनको ऐसी बातों में ऐसे झांसों में लेते हैं ऐसे जाल में उनको ट्रैप करते हैं Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thoughts of so much childish longing in vain. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर uh, यहाँ पर हमसे uh, Robert Lee Frost बोल रहे हैं कि कहीं बार मुझे खुद से ऐसा feel होता है ऐसा एहसास होता है ऐसा महसूस होता है I feel myself, I can hardly bear कि अब मैं अब मैं और bear नहीं कर सकता आई के नॉट टॉलरेट मोर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता क्या बर्दाश्त नहीं होता The thought of so much इन कि इतने समय से वो इंतजार करें एक बच्चा जैसे कोई इज्जत कर लेता और वो इंतजार करता रहता है कि उसके पापा कब आएंगे कब कब घर आएंगे उसके लिए चीज़ें लेके जो उसने डिमांड करी थी या जो उसकी विश थी जो उसका डिजायर था जो उसकी इच्छा थी वो बच्चों जैसे इंतजार करता रहता और दैट इज ऑल इन वेन और वो पूरी व्यर्थ जाती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वो बोलते हैं अब मैं इस पेन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसा पोएट खुद अपने लिए बोलते हैं कई बार क्या होता है फील माई सेल्फ अब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है आई कैनॉट बियर एनी मोर ये थॉट जो है ऑफ सो मच चाइल्ड लॉन्गिंग इन वेगिंग इज अर्निंग डिजायर जो हमारी इच्छा होती है क्या इच्छा होती है इन रोड साइड स्टैंड वालों की, की कोई कार वाला शायद रोके और हमसे एटलीस्ट इतना ही पूछ ले कि क्या आप क्या बेच रहे हो ये क्या रखा है इसकी प्राइस कितनी है ये क्या है क्या क्वालिटी है वो इतना तक नहीं पूछते हमसे दे देर इवन डेयर तो टू स्टॉप Stands. So, <coughs> the thought thought of so much childish longing in vain. कर रहे होते हैं कि शायद कोई रुकेगा ये कोई नहीं रुकता है और जो हमारा इंतजार है पूरा वेस्ट हो जाता है पूरा व्यर्थ फालतू का ही हो जाता है the sadness that lurks near the open window there. अब lurks यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं Be or remain hidden so as to wait in the ambush for someone or something. वो जो इंतज़ार वो जो छुपा हुआ है वो जो विंडो के पीछे से हम जो ऐसे इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा किसी को क्योंकि वहां पर कोई डर ही नहीं कर रहा देखने के लिए तो यहाँ पर बोला गया दिस सैडनेस वो जो सैडनेस है वहां पे कहीं विंडो के पीछे छुपी हुई है वो उदासी वो सौरव वो क्यों है किसका है रोड साइड स्टैंड वालों को है जो विंडो के पीछे ही उदासी छुपी हुई है जो इतना जो सैडनेस है जो ग्लूम है जो सौरव वो कहीं ना कहीं विंडो के पीछे छुपा है बिकॉज़ वो रोक के किसी को बोल नहीं सकते अपने पे के बारे में बट इसको बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं the sadness that lurks near the open window there, और कहीं छुप, खुली हुई खिड़की के पीछे वहाँ पर ये जो window खुली है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत sorrow में, बहुत pain में, बहुत में में उदास है बहुत डिप्रेस और बस इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि शायद कोई आएगा और हमसे कुछ सामान लेगा that all day in almost open prayer. और पूरा दिन इंतजार करते रहते ओपन प्रेयर करते रहते कि आई विश ज कोई तो आ जाए ओ गॉड प्लीज हेल्प अस कोई तो आए हमें सपोर्ट करने के लिए पूरा दिन इस ओपन प्रेयर्स में उनका दिन चला जाता है बट नॉट इवन ए सिंगल कार स्टॉप सेट दैम ना ऑफ़ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वांट टू इंक्वायर अब अगर उन हज़ारों कारों में से अगर गलती से एक कार रुक भी जाती है ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स अब कार सेल्फिश नहीं हो सकती बट ये बताना चाहते हैं कि वो मतलब ही लोग जो इन पॉलिश कारों में आते हजारों की तादाद में हज़ारों की क्वान्टिटी में वहाँ से भीड़ में हाईवे से थाउजेंड्स ऑफ कार्स पास बाय होती है वहाँ पे सो so वो बोल रहे हैं ट्रैफिक एग्जैक्टली सो ऑफ ऑल द थाउजेंड selfish cars that pass just to want to inquire what a

क्यों रुकती है वो वहां पर वो गाड़ी को बैक करने के लिए रुकती है वहां से और वहां पर जो ग्रास लगी रहती है उनके जहां पर रोड एंड हो जाती है उसके एजेस पर उसके बॉर्डर पर ग्रास उगनी शुरू हो जाती है वो ग्रास को क्या ग्रास को क्या करते हैं जब वो बैक करते हैं गियर चेंज करते हैं तो उससे घास उखड़ जाती है तो ये क्या बोल रहे हैं एंड वन डट स्टॉप और अगर गलती से एक कार रुक भी जाए बट ओनली वो सिर्फ किसके लिए रुकती है टू प्लॉप ग्रास प्लॉप पे किसको बोल रहे हैं मूव इन अ फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड मैनर वो बहुत तेजी से बैक करते हैं फिर गियर चेंज करते हैं फिर गाड़ी घुमाते हैं और इससे क्या होता है वो झटके से क्या होता है वो जो स्पीड की वजह से वहां पर जो क्रैश लगी होती है वो फ्लॉप हो जाती है वो उखड़ जाती है इन यूजिंग द यार्ड वो जो यार्ड का जो बा आस पास का जो यार्ड होता है उस स्पेस को यूज़ करते टू बैक एंड टर्न अराउंड अपनी गाड़ी को बैक जैसे ऐसे जा रहे होते हैं और गाड़ी को उनको बैक करना होता है तो वो थोड़ा अंदर लेते हैं और फिर गेट चेंज करते हैं स्पीड करते हैं और घुमाते घुमाते ऐसे करते हैं और फिर वहाँ से टर्न ले लेते हैं तो ऐसा करने में वो क्या करते हैं ग्रास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्लॉप कर देते हैं ग्रास को अगर गलती से कोई गाड़ी रुक भी जाए तो वो उनके पास नहीं रुकती उनसे रेट्स पूछने के लिए नहीं रुकती वो क्यों रुकती है वो गाड़ी बैक करने के लिए उस यार्ड का यूज करते हैं जो एडजस्टेंट होता है उस रोड साइड स्टैंड के एंडर टू आस्ट वे टू वेर इट वॉज बाउंडल दी है कि हजारों में से अगर और दूसरा कहाँ जा रहा है वे इज बाउंड टू रीच टू विच लोकेशन और विच डेस्टिनेशन तो ये रास्ता कहा लीड कर रहा है वो ये पूछने के लिए कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, है? से वहां कहाँ जाना है अगर हमें वहां निकलना वहां जाना है तो हम कौन सा तो रास्ते पे जाए तो रास्ता इंक्वायर करने के लिए वो रुकते हैं अगर गलती से कोई और रुक जाए और यहां पर स्कूल वाले वेट करते रहते हैं अब स्कूल ऑफ बिकॉज हाईवे पे जो गाड़ियां होती थोड़ी तेज स्पीड में होती और तेज चल रही होती हमने पढ़ा था ट्रैफिक स्पेड तो बहुत तेज स्पीड में चलते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है ओ जैसे ही वो आवाज़ आती है वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि उनको एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद अब ये जो सिटी ड्यूलर्स हैं यहाँ से जो पास हो रहे हैं अब हमारी शॉप से कुछ परचेज करने के लिए उन्होंने गाड़ी यहाँ पे स्टॉप करी है सो so, स्कूल लॉन्ग हाई पिज क्राई और नॉइज यहाँ पे किसका शोर है ब्रेक लगा रही मुझे ब्रेक एकदम से झटके से लगाई जाती है सो फॉर द स्कूल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग खा जब गाड़ी को झटके से हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए उनके लिए उम्मीद की किरण से कम नहीं होता इट इज जस्ट लाइक अ रे ऑफ सनशाइन रे ऑफ होप एंड अनदर टू वास्क और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये है और अगर गलती से कोई तीसरा ब्रेक लगा भी ले एकदम झटके से ऐसे कि वाकई में सामान से अट्रैक्ट हुआ है लेने के लिए नहीं तो झटके से लगा भी ले तो वो क्या करता है एंड अनदर टू वास्क कुलेट अ गैलन ऑफ गैस और वो बोलते हैं कि क्या आप लोग गैलन ऑफ गैस बेचते हो क्या सो so, यहाँ पर क्या बोले गैलन ऑफ गैस गैस का जो गैस को जो मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो गैलेंस होता है तो क्या आप गैस को बेचते हो प्रोबेबली अपने टायर्स में फिल करानी होगी तो वो बोलते हैं कि क्या आप गैस बेच सकते हो another, was, क्या एंड अनदर टू दे सेल इट अ गैस ऑफ गैलन क्या आप ये गैस ऑफ गैलन नहीं बेच सकते यू नॉट अलाउड टू डू दैट क्या आपके पास है सब पूछने के लिए दे कोडेंट दिस क्रॉस लिया वो और गुस्सा से में आके बोलते हैं कि एक तो तुम इतनी तेज स्पीड से जा रहे थे और इतनी जोर से ब्रेक लगाई बस ये पूछने के लिए तो उससे उनको और गुस्सा आ जाता है किसको रोड साइड स्टैंड वाले लोगों को और वो बोलते हैं कि दे कूडिन नहीं हम नहीं बेच सकते बिकॉज वो पूछते कुड दे सेल तो बोलते नो दे कुड़ हम लोग ऐसा नहीं कर, कर सकते वी आर नॉट पमेड टू डू दैट दे हैड नान और बोलते हैं हमारे पास नहीं आपको दिख नहीं रहा क्या हमने यहाँ पर एक छोटी छोटी <coughs> सी शेड शेड घर के आगे शेड को एक्सटेंड करा है और यहाँ पर छोटी सी शॉप लगाई है जिसमें हमने कुछ कार्टन uh, में कुछ कंटेनर्स में वाइल्ड बेरी सेल कर रहे हैं और यहाँ पे गोल्डन स्क्वाश सेल कर रहे हैं जो इस प्रोडक्ट की बनी हुई है तो क्या आपको दिख नहीं रहा क्या हम वो सब नहीं बेच सकते हमारे पास कोई भी गैस नहीं है यहाँ पर दे कोडेंट देड नान सी आपको ऐसा दिख नहीं रहा क्या क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गए एक गाता है तो वो बोलते हैं वहाँ पे बैक करने के लिए वो उनका वहाँ का वहाँ की जो उनका यार्ड है उसको यूज़ करते हैं और वहाँ की ग्रास को उखाड़ के चले जाते हैं तो उनको गुस्सा आता है दूसरा अगर गलती से कोई रोक दे तो वो क्या करता है कि सेकंड uh, पर्सन आपने देखा था इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई आ जाता तो है वो क्या करता है वो उनसे रास्ता इंक्वायर करता है कि क्या आपको पता है ये रास्ता कहाँ जाता है या फिर ये रास्ता कहाँ को निकलेगा और अगर तीसरा एग्जाम्पल कोई गलती से रुक भी जाए तो वो क्या करते हैं वो इनसे इंक्वायर नहीं करते कि आपका प्रोडक्ट कितने का है कितने का दोगे वो पूछते हैं कि आपके पास गैलन ऑफ गैस uh, क्या आप गैलन ऑफ गैस नहीं रख सकते हो क्या तो बोलते नहीं हम बिल्कुल नहीं रख सकते आपको दिख नहीं रहा क्या नो वी कूड हम नहीं रख सकते हैं नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिकूस लिफ्ट ऑफ स्पिरिट Has never been found. अब क्या बोलते हैं? नहीं ऐसा आपने देखा होगा जो मेट्रो सिटीज हैं जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाईली प्राइज्ड होते हैं अब हाँ, वो ज्यादा प्राइज्ड होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता जो है वो भी ज्यादा होता है तो यहाँ पर यहां पर बोलते हैं कि इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड और वो भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो मतलब अपने आप को ऐसा कंपेयर नहीं कर रहे बट ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगर हमें कंट्री का पैसा अगर हमें सिटी ड्वेलर्स का पैसा मिले

उंड तो हमारी हम कभी भी मोटिवेट हो ही नहीं पाते हमारे स्पिरिट्स तो कभी हाई हो ही नहीं पाती है और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन और इसकी बजाय क्या होते हैं जो वॉइस ऑफ द कंट्री है मतलब ये जो लोग हैं ये क्या करते रहते हैं बस हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हम हाँ, मतलब जो यहाँ पे ये कौन है सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन ये कौन कंप्लेन करता रहता है यहां पर यहाँ पे कंप्लेन करते रहते हैं यहाँ पे दोनों की सेंस में कंप्लेन हो रही है बिकीज जो सिटी के लोग हैं उनको क्या कंप्लेन रहती है कि क्या इन्हें रोड साइड पर स्टैंड लगा लिया जगह को ब्लॉक कर दिया है ऑन दी अदर साइड

और इसी वजह से वो बस एक कंप्लेन ही करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी कोई सामान लेने के लिए पासर बाय नहीं गाड़ी को रोकता है आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी अब यहाँ पे आई कौन है तो आई यहाँ पे पोएट है। पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी

हेल्प मैं अब उस चीज में बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे वो रिलीफ कब मिलेगा वो मुझे चैन वो मुझे सुकून कब मिलेगा वो चीज करके तो अब मैं उस चीज के लिए और हेल्प नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं किस चीज के लिए आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी कब ग्रेट रिलीफ होगा टू पुट दीस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ पेन अब ये दीस पीपल किसको रेफर कर रहे हैं तो ये जो तो जिनका रोड साइड स्टैंड है ये उनको रेफर कर रहा है कि पोएट यहां पर बोल रहे हैं कि अब मैं आई कॉन्ट हेल्प ओनी अब अब मैं और उस चीज के लिए मदद नहीं कर पा रहा कि कब मुझे वो वो प्लेजर फील होगा मुझे वो कब चैन वो कब सुकून फील होगा जब मैं एक पल में एक झटके में चुटकी बजाते हैं एट वन स्ट्रोक मैं क्या करूँगा उनको उनके पेन से बाहर ले आऊँगा मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है जो उनकी सफरिंग्स है जो उनके ऑफ रीजनसॉरों हैं मैं उन

पल में मैं इन चीज़ों को इनका जो ये लेवल है जो डिप्राइव्ड सेक्शन में जो लाइफ

थॉट्स so, में नहीं रहते जब वो रियलिटी को फेस करते हैं अपने होश में आते हैं जब वो उनको पूरी सेंसेस आती हैं एंड देन नेक्स्ट डे एज ए कम बैक इन टू दिन और जब वो रियलिटी में आते हैं जब उनको होश आती है अगले दिन मतलब तो कोई बेहोश नहीं होते बट तो जब वो जागते हैं वो ऐसे इमेजिनेशन के वर्ल्ड से बाहर आके कर रियालिटी को फेस करते हैं तो उनको ऐसा रियलाइज़ होता है आई वॉन्डर वो वो वॉन्डर करते हैं हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन और अब यहाँ पर पोएट आई वॉन्ट आई कॉन पोएट पोएट यहाँ पर किसको बोल रहे हैं पोएट यहाँ पर उन लोगों को बोल रहे हैं कि आई हाउ आई शुड लाइक यू टू टू कम मी कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं अब वो उनको बोल रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि तुम लोग खुद मेरे पास आओगे और मुझे ऐसा बोलोगे आई वॉन्टर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन और तुम लोग मुझे बोले लोगे कि सर आपको जो पेन था जो हमें इस हालत में देखने का वो पेन से अब ओवरकम हो जाए बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करने को एड्रेस करेंटैंडस तो हूं मैं, तो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा कि मैं वो, वो सुकून मैं वो शांति वो जो लेना चाहता हूं वो मुझे कब मिलेगी शांति कि मैंने इन लोगों को इंप्रूव कर दिया है इन लोगों के जितने भी सौर इन, इनके खत्म कर दिए तो अब वो तो हो नहीं पा रहा बिकॉज आई कॉन्ट हेल्प इन दैट तो अब तुम लोग ऐसा करो कि मेरे पास आओ हाँ और मुझे मेरा जो पेन है उससे मुझे तुम लोग बाहर कर दो यू आर द और तुम लोग खुद ही अभी चीज को सॉल्व करो आई वो हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफ टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन यहां पर पे पोइट की बात हो रही आउट ऑफ माई पेन दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम की ये पोम पूरी एंड हो गई है कि अभी हमने क्या क्या देखा इसमें कि फाइनली क्या हुआ पोएम स्टार्ट होती है जब पोए ऐसा बोलते हैं कि कि ये जो इतना ट्रैफिक है ये जो इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं हाईवे से और कोई एक पॉज तक नहीं लेता हमें देखता तक नहीं हमसे कुछ परचेज करना तो बहुत दूर की बात है और अगर कोई रुक जाता है तो कोई रास्ता पूछता है कोई गाड़ी बाक करने के लिए और कोई ऐसी चीज पूछता है इतनी सिली कि वो हमारे पास होती भी नहीं है ना हम रख सकते हैं वी आर नॉट पमे टू डू दैट अब फाइनली पोएट को बहुत पेन फील होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आई एम हेल्पलेस उनको लास्ट में ऐसा लगता है कि मैं इनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और वो चाहते हैं कि मैं वो सुकून में वो शांति में वो रिलैक्सेशन कब फील करूंगा कि मैंने इन लोगों को इनके सौरों से रिमूव कर दिया है उनको मैं बहुत अच्छे स्टेट में लेके आ गया हूँ तो अब मैं ऐसा कब फील करूंगा मैं उसको फील करना चाहता हूँ और फाइनली वो बोलते हैं कि आई एम हेल्पलेस इन दैट आई कॉन्ट हेल्प ओइंग दैट प्लेजर ऑफ मेकिंग दम फ्री फ्रॉम दियर पेन अब एंड में पोम यहाँ पर एंड होती है जब पोएट खुद ऐसा बोलते हैं कि अब तुम लोग ही आ जाओ और मुझे ऐसा बोलो कि तुम मेरे जो पेन है और पोएट का पोएट रॉबर्टली फ्रॉस्ट का पेन क्या होता है कि रोड साइड स्टैंड वाले जो मर्चेंट्स होते हैं जो लोग जो वेंडर्स होते हैं जो सामान को बेच रहे हैं उनको उनकी लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही पैथेटिक बहुत ही मेजरेबल होता है वो उनको उस चीज से रिमूव कराना चाहते

टेक्स प्लेस और ये कहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है अलॉन्ग विद रोड साइड रोड के बॉर्डर पे एडजेसेंट में एज पे जहाँ पर ये जो पैसेज ऑफ ट्राफिक टेक्स प्लेस बहुत तेज स्पीड में ट्राफिक पास बाय होता है ट्रेवल होता है इट सीम्स लाइक द शैक

పర్చేస్ కర్లు दे इज़ डिप्राइव्ड पीपल हैव अवज डिज़ायर फॉर द मनी अभी जो डिप्राइव्ड पीपल हैं ये जो बिलो पावर्टी लाइन में रहते हैं जो इम पावरिज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको सारी इम्यूनिटीज और उनको बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं मिलता दैट इज़ वाई दे आर डिप्राइव्ड सेक्शन तो वो लोग ऐसा बोलते हैं इस उम्मीद से बोलते हैं कि कुछ परचेज कर लो बिकॉज दे वॉन्ट दे हैव अवज डिज़ायर उनका बहुत इच्छाओं की तीव्र इच्छा है कि थोड़ी सी हमें कैश मिल जाए थोड़ा सा हमें मनी मिल जाए जिससे कि हम अपनी चीजों को इंप्रूव कर लें बेटर हो जाएं। लेमेंटेबली और बहुत ही उदासी की बात है बहुत ही बुरी बात है लाइक इट इज़ अ लेमेंटिंग क्या है द ट्राफिक गोज फास्ट इग्नोरिंग द शैक और बुरी बात यह है कि ट्राफिक पूरा चला जाता है तेज स्पीड में विदाउट इवन गेविंग अ डैम लुक एट दैट रोड साइड स्टैंड इफ बाई चांस द ट्राफिक गोज स्टॉप और गलती से अगर कोई ट्राफिक में से एक आध कार रुक भी जाती है तो वो तीन कंडीशन होते हैं क्या होता है इट वुड कम विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइटमेंट अगर वो गलती से रुक भी जाए तो वो उनसे

with the feeling of disappointment, they are very disturbed to see the poor, unattractive signboards. और, अब पे जो जो, जो signboards होते हैं बहुत ही blur रहते हैं वो incorrect होते हैं वो clearly उनको समझ नहीं आते तो उन्हीं में वो चीजों को ढूंढते रहते हैं कि ये गलत है so they are very disturbed to see the poor, unattractive signboards. देर इज़ एन ऑफ़र ऑफ वाइल्ड बेरीज फॉर सेल इन अ वुडन कंटेनर अब वहाँ पर वो उनका नोटिस अगर कोई रोड साइड ट्रेवल अगर कोई रोड पर ट्रेवल अगर कोई रोड से ट्रेवल कर भी रहा है तो उनका ध्यान कहाँ जाता है कि जो उनका ध्यान है, उन और नहीं है फिर भी उनका ध्यान उधर जाता है रादर उनका ध्यान वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता जो रोड साइड स्टैंड लगा के वाइल्ड बेरीज या स्क्वैश को सेल कर रहे हैं फॉर कंटेनर दिस प्लेस अ पीसफुल नेचुरल स्टे फ़ॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट और ये जो जगह है मतलब ये सीनिक वैल्यू में काफ़ी अच्छी होती है दिस प्लेस ऑफरस अ पीसफुल नेचुरल स्टे हाँ वो जगह पर रोड साइड के किनारे पर कुछ आउटस्कर्ट्स पर ऐसी अच्छे अच्छे व्यूज़ होते हैं जहाँ पर लोग आराम से रह सकते हैं और नेचर को इन्जॉय कर सकते हैं तो वो बोलते हैं कि दिस प्लेस ऑफर्स अ पीसफुल नेचुरल स्टे फ़ॉर दोज हु कैन अफोर्ड जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पर शांति से रह भी सकते हैं अपना वीकेंड इन्जॉय कर सकते हैं बट लोग यहाँ पर नहीं आते पिकीज़ अगर वो

आस्क देम टू मूव अहेड और उनको बोलते हैं कि वहां पर रुको भी मत फिर वहां से बिल्कुल आगे निकल जाओ अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो वहां पर रुकते ही क्यों वहां से बिल्कुल आगे चले जाओ

में रहने वाले जो लोग हैं ये उनको रेफर कर रहे हैं जो शेड में जो हटम्स में रहते हैं जिनका रोड साइड स्टैंड है ये उनको रेफर कर रहे हैं एम्पावरज पीपल के बारे में बोल रहे हैं सो पोइट बिलीव्स दैट दीज पीपल उनके बहुत डिज़ायर उनके बहुत तीव्र इच्छा बहुत लंबे समय से उनकी एक इच्छा है टू हैंडल सम सिटी मनी वो क्यों, वो फील करना चाहते हैं थोड़ा सा शहर का पैसा मतलब सिटी के जो लोग हैं जो उनके पास जो पैसा होता है वो शायद हमारे पास थोड़ा सा आ जाए वो भी इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ बेगिंग चैरिटी और डोनेशन बट इन रिटर्न ऑफ परचेजिंग समथिंग वो उनको मनी मिले दिस मनी कैन रिड्यूस दे सफरिंग्स एज वन कैन सीन मूवीज़ अब जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि जब हम गरीबों को पैसे देते हैं उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है उनको अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है मूवीज़ में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं बट रियालिटी में ऐसा कुछ नहीं होता तो वो भी ऐसा इमेजिन करते हैं कि जैसा मूवीज़ में होता है शायद हमारे साथ भी ऐसा हो जो शहर के जो लोग आते हैं अमीर लोग आते हैं उनके पास जो इतने सारे पैसे होते हैं शायद थोड़े से पैसे हमें दें और इससे हमारी भी बेनिफिट हो सके हम अपनी हमारी जो सफरिंग्स हैं हमारे जो सोरोज हैं शायद थोड़ा सा ओवरकम कर सके द <coughs> that पार्टी दैट is the इज द वन दैट of a हैप्पी लाइफ अब फाइनली यहां पर जो बोल रहे हैं जो पॉलिटिकल parties होती ये जो politicians होते हैं दैट uh, enjoys पार अब ये जो पार इन्जॉय करें जो आज जो ये जो नेता नगरी में जो लोग हैं जो नेताएँ है, नेता जो बने हैं ये लोग ये जो पॉलिटिशियन uh, से जो बने हैं जो रिच पीपल बने वो किसकी वजह से बने वो हम लोगों की वजह से क्योंकि हम लोग ही उनको वोट देते हैं और वोटिंग के टाइम पे तो हमसे बहुत अच्छे अच्छे प्रामिसज करते हैं बट वो म्यार फेक प्रामिसज होते हैं इन रिटर्न हमसे वोट तो ले जाते हैं फेक प्रोमिसज करके और हम वहीं के रह जाते हैं और वो लोग अमीर हो जाते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट इन्जॉय पार कि जो आज पार एंजॉय कर पा रहे हैं सब ये किसकी वजह जो इनके जो इतने इनको पार्ट्स मिली हुई है वो किसकी वजह से हम लोग इनको वोट नहीं देते तो ये लोग पार में कभी नहीं आते इलेक्शन नहीं जीते तो पार में नहीं आते तो क्रेडिट तो हम लोगों को जाता है The political party that enjoys power is the one, पार यही वो party है that deprives them of a happy life. इन लोगों की वजह से ही हम एक अच्छी happy life lead नहीं कर सकते power तो है ये लोग चाहें तो हमारा standard improve कर दे एक बहुत अच्छी lifestyle दे सकते हैं हमको But ये लोग ऐसा नहीं चाहते और हमारी वजह से ही ये लोग power में आए हैं अगर हम चाहें तो हम इनको powerless बना दे But ये लोग कभी कंसिडर नहीं करते ये लोग इवन एक था भी नहीं देते हमारी प्रोडक्ट की तरफ जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड जो है और डिप्राइव्ड हो जाता है और बिलो पॉवर्टी चला जाता है

आउट करती हैं कि इनको रिलोकेट कर देंगे यहाँ यहाँ गांव से लेके आउटस्कर्ट से लेके इनको शहरों में जगह दे देंगे इन पुअर विलेजर्स को टू तो तो द सराउंडिंग कहाँ पे देंगे सराउंडिंग एरिया ऑफ शॉप्स एंड थिएटर्स शॉप्स या थिएटर्स के आसपास जो बहुत ही रश्ड एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आती है वहां पर हम इनको भी कहीं ना कहीं स्पेस दे देंगे ताकि इनका काम और अच्छा चलने लग जाए देर वर बिग प्रामिस टू एंश्योर गुड केयर फॉर देम बस ये प्रामिस थे देवर जस्ट मियर प्रामिस ये सिर्फ वर्ड्स थे बट रियलिटी में इनका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है देयर वर बिग प्रामिस टू एंश्योर गुड केयर फॉर देम हाउ एवर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज बिकेम इनअटेंटि ऑफ दिस प्रामिस बट फाइनली क्या हुआ जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी जितने भी बड़े लोग थे ये बिल्कुल ध्यान तक नहीं देते कि हमने ऐसा कोई प्रामिस करा कर था कोई किस उम्मीद में बैठा होगा वो उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अपनी चीज़ों में प्रोसीड करते हैं बिसाइड्स और इनके अलावा द पोएट एंग्री तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है बहुत ही ये मतलब ये क्या करते हैं बस वो अपना, प्रे, अपना शिकार ढूंढने के लिए वो वो शिकारी बन जाते हैं ये तो ये उनको बोलते हैं लालची गुड डूअर्स है जो उनको लालच देते हैं जो उनको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम तुम्हारा अच्छा करते हैं बट एग्जैक्टली ये लोग होते हैं, आपका भला कर ही नहीं सकते ही कॉल्स ढूंढते हैं बस अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए विदाउट इवन गिविंग पीपल अब हु इंडर्ल्स इन टेकिंगटेज ऑफ दुअर विलेजर्स अब ये लोग क्या करते हैं जो इंडर्ल्स होते हैं टेकिंग मतलब फालतू में उनका फायदा उठाते हैं अनडिव <coughs> <coughs> <ExcelKK throat> अब ये जो लोग है, जिनको हैं जिनको पोएट ही कौन है यहाँ पे पोएट है तो पोएट कॉल्स देम बीस्ट ऑफ द प्रे हु इंडल्ज इन टेकिंग अनड्यू एडवांटेज जो किसमें इंडल्ज हो जाते हैं अन डिएडवानटेज जितना मतलब जितना हो सके फालतू का उनसे फ़ायदा लेते रहते हैं अनडिओडवाटेज लेते हैं इन पुअर विलेजर्स का सो दिस इज़ एग्जैक्टली द पेन ऑफ दो जो हमें यहाँ पर बताया है अब विलेजर्स पे अवी प्राइज आज देयर लैंड विलेजर्स को बहुत सारा प्राइज भी देना पड़ता है वो अपना लैंड छोड़ के जा रहे हैं तो उनको अपना प्राइज भी देना पड़ताइ आज देयर लैंड इसकी उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है बिकॉज अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं अब शहर में उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो इनकी कीमत बहुत बड़ी उन पे उनको चुकानी ती उन पुआ विलेजर्स को और ये जो पूरा बर्डन आता है वो पूरा पुआ विलेजर्स पे आता है द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं आर सक्सेसफुल इन फूलिंग दीज नव विलेजर्स अब ये जो म्यूनिसपल uh, अथॉरिटीज uh, यहाँ पे बोल दो लोकल अथॉरिटीज बोल दो जो भी पीपल इन पावर हैं वो क्या करते हैं वो बहुत ही कामयाब हो जाते हैं इन फूलिंग दीज ने जो बहुत ही uh, मासूम इनोसेंट से जो विलेजर्स होते हैं जिनको ना समझ इनको चीज़ों की कोई समझ नहीं होती इनके झांसों में आ जाते हैं इनकी बातों में फंस जाते हैं ट्रैप हो जाते हैं और ये ना यहाँ के रहते हो और ये

अथॉरिटीज प्रॉमिस करती हैं इन नेम विलेजर्स को कि हम आपको एक बेटर लाइफ देंगे अ गुड स्लीप देंगे अच्छी नींद ले सकोगे

हाउेवर दे हैज बीन अ रिवर्सल इन दिस नॉम एज दिलेजर्स आर नॉट एबल टू स्लीपन एट नाइट और ये चीज तो बिल्कुल पलट गई है अब तो वो दिन में क्या अब तो वो रात को भी नहीं सो पातेस्ट उनके पास जगह तो थी जो पूरा वेट में पूरा दिन उनका उस वेट में जाता था कि शायद कोई प्रोस्पेक्ट बायर आए और गाड़ी रोके और उनसे कुछ परचेज करे और उनको कैश दे ऐसा नहीं होता था उनकी उदासी बस शांति में ही रह जाती थी और अब क्या होगा जब उनको ऐसे कोई लोग हैं उन्होंने फेक प्रोमिस करे कि हम आपको विलेज विलेज से आपको टाउन में या सिटीज़ में मूव करेंगे वहाँ पे बेटर लाइफ होगी अच्छी इम्यूनिटीज़ होंगी वहाँ पे आप प्रॉपर स्लीप ले सकते हो प्रॉपर घर होंगे आपके वहाँ पर वो चीज़ भी नहीं हो पाई तो वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के अब वो अल्टीमेटली रोड्स पर आ गए और वो जो रात की नींद लेते थे वो तो प्रॉपर स्लीप उनको देंगे तो दिन की तो लेते ही नहीं थे रात की भी नींद अब उनकी नहीं बची है सो दिस इज़ हाउ उनकी उनका लाइफ जो है उनकी लिविंग जो है वो और ज़्यादा मेजरेबल हो गई है

पोएट को बहुत ज्यादा पेन होता है पोएट बहुत पेनफुल फील कर उनको बहुत दर्द हो रहा है किस चीज का बहुत सौरों में है वाइल एक्सप्लेनिंग द एंडलेस वेट ऑफ शेड ओनर्स फॉर द बायर्स वो पूरा पूरा दिन इंतज़ार करते रहते हैं कि अब शायद कोई गाड़ी रोकेगा अब किसी ने ब्रेक लगाई चलो जल्दी से देख के आते हैं बट फिर वो रास्ता पूछते हैं या फिर वो कोई यू टर्न लेने के लिए गाड़ी मोड़ते हैं वहाँ रोकते हैं वहाँ पर फिर पूरा जो दिन है उनका वेट में चला जाता है तो पोइट को बहुत बुरा लगता है कि कितने डेस्परेटली वो पूरा दिन वेट कर रहे थे कि शायद कोई बायर आए उनसे कुछ परचेज करे उनको थोड़ा सा कैश वोट अपने हाथों में देख तो सके फील करना चाहते हैं वो उस कैश को तो पोएट को ये सारी चीज़ें सोच के बहुत बुरा लगता है देयर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ सैडनेस ऑल ओवर द प्लेस और उस पूरी जगह पे सिर्फ उदासी ही उदासी रहती है पूरा उनका जो एनवायरनमेंट है पूरा जो आसपास की जो हवा है जो एटमॉस्फेयर, वो पूरा नेगेटिविटी, पूरा सैडनेस ही सैडनेस से भर जाता है क्योंकि हर एक इंसान के चेहरे पे उदासी ही होती है वहाँ पर Sometimes the car stops, but that is to inquire about the farmer's price. और अगर कहीं बार कोई जो ये जो इतने जो बड़ी बड़ी पॉलिश कार्स में ट्रेवल करते हैं गलती से अगर उनमें से एक आध कोई रुक भी जाए तो वो क्या करते हैं जस्ट टू इंक्वायर अबाउट द फार्मर्स प्राइस कि आपका ये जो वाइल्ड बेरीज हैं कितने की हैं भैया भैया ये जो स्क्वाश आप ये कितने की दो क्यों नहीं, नहीं, नहीं तो बहुत महंगी हमें नहीं चाहिए तो वो आगे चले जाते तो ये तो और उदास करती है उनको ऐसी चीज़ें फ़र्दर मोर अदर्स स्टॉप जस्ट वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ द बैक और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो रुकते हैं तो क्या करने के लिए वो रुकते हैं पॉज लेते हैं कि उनको वहाँ का बैक यार्ड का स्पेस यूज करना होता है गाड़ी को बैक करने के लिए वर ऑफ द कार स्टॉप और एक तो इतने महान भी लोग ऐसे रुके हैं वहाँ पर कि वो स्टॉप्स जस्ट फॉर अ गैलन ऑफ गैस वो पूछने के लिए कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है क्या मोर ओवर दिस डेमोन्स्ट्रेट द सेंस ऑफ डिटैचमेंट अर्बन एंड रूरल लाइफ और फाइनली यहाँ पे हमें पता चलता है ये सारी चीज़ें ऐसे बताती हैं हमें ये ऐसा दर्शाते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स कि रूरल लाइफ के लोगों को यहाँ हम ऐसा बोलें कि सिटी डवेलर्स को विलेज पीपल से कोई भी सेंस ऑफ अटैचमेंट नहीं है वो उनको अच्छा कंसिडर नहीं करते अपने लायक like नहीं समझते सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते और उनके लिए ह्यूमानिटी तो बिल्कुल भी खत्म हो गई है सिंपथाइज वो बिल्कुल नहीं करते हैं उन लोगों को उनको हेल्प करने के लिए ऐसा एक तक नहीं आता है जिससे हमें क्लियरली समझ में आता है द सेंस ऑफ डिटैचमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफ नो, द पोएट फील सॉरी अबाउट दैट मनी इज नॉट अबंड इट इज अबाउट सो द पोएट फील्स सॉरी अबाउट दैट मनी इज नॉट अबंड कंट्री साइड अब पोइट बोलते हैं ही फील पोइट को बहुत बुरा लगता है अबाउट दैट मनी विच इज़ नॉट अबंड कंट्री साइड कि जो रोड साइड जो कंट्री साइड में जो आउटस्कर्ट्स में जो लोग हैं जिन्होंने अपने रोड साइड पर स्टैंड लगाया हुआ है उनके पास इतना सफिशेंट मनी नहीं होता इतना अबंड मनी नहीं होता है फर्दर मोर मनी कैन रेज पर्ट्स वाइल अ लैक ऑफ इट्स मॉदर्स दैम

और ये चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पोएट ने बहुत ही क्लोजली फील करी है और उसको रियलाइज़ करा है कि ये जो पोएट बोल रहे हैं पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको बहुत बुरा लगता है कि उनके पास सफिशेंट अमाउंट में मनी भी नहीं है कि जिससे वो अपने दो वक्त का अच्छा खाना भी खा सके अपनी बेसिक नीड्स को भी वो फुलफ़िल नहीं कर पाते बिकॉज़ वो उन शेड्स में रहते हैं उन हट्स में रहते हैं तो हमें पता चल रहा है कि फ़ूड भी नहीं है क्लोदिंग भी नहीं है और शेल्टर भी प्रॉपर नहीं है फर्दर मोर मनी कैन रेस पर जो मनी होती है वो मनी कैन रेस स्पिरिट्स मनी से उनकी इच्छाएं फिर से जाग उठ उठ सकती हैं और वो लाइवली फ़ील कर सकते हैं और उनको बहुत इम्प्रूव्ड फील हो सकता है बट अगर पैसा ना हो उनके पास तो वो ऐसा है लाइक like, वो अपना खुद गला दबा के अपनी हत्या कर रहे हैं सो फर्दर मोर मनी कैन रेज देयर स्पिरिट्स वाइल लैक ऑफ इट अब लैक ऑफ मनी अगर है तो इट इज़ लाइक उनकी हत्या हो रही है बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक किलिंग ऑफ de.

उटसाइड स्टैंड्स के लोगों के साथ और उनको बहुत थॉटफुली देखते हैं कि कितना पेन है उनको so बहुत कंजर्न देते हैं ही सर्टेनली वांट्स टू चेंज देयर लाइव्स इन वन गो और वह पक्का चाहते हैं कि एक झटके में ऐसा कुछ मराकल हो जाए <laughs> <laughs> कि जिसको चिटके बजाते ही मैं इनके सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दूँ इनके इनको सौ से बाहर ले आऊँ वो ऐसा कुछ चाहते हूँ कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर है ये ही सर्टनली वॉन्ट्स टू चेंज देयर लाइव इन वन गो बट अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी एन अनप्रोडक्टिव एड बट वो समझते हैं ये वो ऐसा जो इमेजिन कर रहे हैं कि एक चुटकी बजाते ही वो इन सबका स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर देंगे इनको इनके प्रॉब्लम से ओवरकम कर देंगे इनके सॉरोस को रिमूव कर देंगे बट ये सब एक अनप्रोडक्टिव एक्ट है एक्ट है जिसका कोई जो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा इससे तो कोई कुछ नहीं होने वाला ऐसा ही रहेगी इनकी कंडीशन जैसी अभी प्रिवेल कर रही है फाइनली इस पेन से ही पोएम स्टार्ट हुई थी और उस पेन के साथ ही पोम हमारी एंड हो जाती और फाइनली पोएट को सोल्यूशन नहीं मिल पाता है जिस थॉट के साथ उनने पोम को स्टार्ट करी थी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दफ पीपल और टू मेक देम ओवरकम आउट

वो जो बहुत ही लग्जरी बहुत ही सेफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं तो ये वो सिटी ड्वेलर्स हैं, जिनकी लाइफ बहुत ही पीसफुल बहुत ही हैप्पी सेफली और बहुत ही कंफर्टेबली चल रही है ऑन दी अदर साइड दूसरे लोग हैं जो हार्श लाइफ की हार्शनेस को फेस कर रहे हैं ऑफ द इम रूरल पीपल जिनको बेसिक इम्यूनिटीज भी अवेलेबल नहीं हो रही है जिनको प्रॉपर फूड तक नहीं मिल पा हमारा क्लोथिंग और शेल्टर का तो वो ज़्यादा कंजर्न करते ही नहीं है बिकॉज लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट उनको फूड तो मिल जाए इतना ही वो अमाउंट कलेक्ट करने की होप करते हैं बट वो होप ऑल इन वेन होती है उनका पूरा पूरा इंतज़ार पूरे पूरे दिन का जो इंतज़ार होता है दैट All goes disappointed or just in vain. So with this Painful words. We are done with the discussion of the entire poem. Now, let us immediately look at the literary or the poetic devices which are used in this poem. सबसे पहला यूज किया गया है मेटाफर का सो व्हाट इज़ अ मेटाफर? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अदर एक चीज़ को बताते हुए दूसरी चीज को रेफर करें बोल किसी और को रहे हैं बता किसी और को रहे हैं लाइक लुकिंग इन लंडन टॉकिंग इन टोक्यो देख आप रही हूं, कर रही हूँ बात उससे कर रही हूँ सो एक तीर से दो निशाने मारे जा रहे हैं दैट इज़ एग्जैक्टली मेटफर दैट इज़ ट्रस्टिंग शौर अब ट्रस्ट भी कर रहा है और वो उदास भी तो वो ट्रस्टिंग शौर हमने जब पढ़ी थी वर्ड टू वर्ड डिस्कस करा था पोम को, तब तो हमें पता चला था ट्रस्टिंग शौर किसको रेफर कर रहा है वो उस उम्मीद में जो वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो पाती जिसकी वजह से उनको शौर होता है सो ट्रस्टिंग और सौर इज़ अ मेटफर हो नेक्स्ट इज अलिटरेशन अलिटरेशन क्या है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सिंग वर्ड एट दिगिनिंग ऑफ अ वर्ड रिपिटेशन ऑफ दल्फाबेट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्डिक्वेंटली आते हैं अब इसमें वावल साउंडिंग वर्ड नहीं आते दैट इज एगर रिपीट हो रहे हैं किसी वर्ड में तो तब हम नहीं बोलेंगे अलिटरेशन बिकॉज अलिटरेशन तभी होता, होता है जब कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है सो दैट इज ग्रीडी गुड डूवर्ड ग्रीडी गुड डूअर्सिफिशियन बीस्ट ये सारे वर्ड्स एलिट्रेशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं परसोनिफिकेशन बहुत ही फेवरेट वाला है हर पोम में आता ही आता है सो so, परसोनिफिकेशन क्या होता है जबकि इनह्यूमन चीज को हम ह्यूमन कैरेक्टर दे देते हैं दैट इज इन दैट इज परसोनिफिकेशन सो लिटरली लिटरली टू वेर यू असाइन द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन टू सम दैट

ट ट्रांसफर्ड एपीथेट क्या होता है पोम अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एक फिगर ऑफ स्पीच में जिसमें सिंटैक्टिक रिलेशनशिप बताया जाता है बिटवीन टू टर्म्स इज इंटरचेंज अब जैसे कि पॉलिस्ड ट्रैफिक, सेल्फिश कार्स अब यहाँ पे ट्रैफिक कैसा है जो कि बहुत ही पॉलिश है बहुत चमचमाती नई नई गाड़ियों में बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों में जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको बोला था सेल्फिश कार्स को बोला गया है सो दिस इज द यूज़ एक एक के पॉइंट से वो दूसरी चीज को कुछ बताना चाहते हैं दैट इज एग्जैक्टली ट्रांसफर्ड एपीथेट और ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से बता रहे हैं पॉलिस यहाँ पे ट्राफिक को रेफर कर रहे हैं सेल्फिश यहाँ पे कार्स को रेफर कर रही है लास्ट कम्स दी ऑग्जी मोरन क्या होता है अ फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग वर्ड्स दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स जब एक साथ आते हैं ऑपोजिट कन्वेइंग मीनिंग को जब एक साथ यूज किया जाता है पोएटिक पोएटिक सेंस में तो हम उसको ऑग्जी बोलते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स गुड डूअर्स अच्छे होते हैं और ग्रीडी नेगेटिव होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव बेनिफिशिएंट, अच्छा भलाई वाले और बीस डिज वो हैवान टाइप शिकारी टाइप बोला गया सो ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ये सारे ऑक्जीवर के ब्यूटिफुल एग्जांपल है जो हमने इस पोम में डिस्कस करे थे अब

इफेक्ट ऑल दे डिड और अगर गलती सुनने दे भी दिया इट वॉज जस्ट टू कंप्लेन तुम्हें दिखाई नहीं देता रोड इतनी इतनी आगे तक तुम्हारा स्टैंड आया वो हमें चलाने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ये नहीं कर सकते पूरी जगह घेर के रखी तो बस कंप्लेन करने के लिए विच lines ब्रिंग दिस आउट वॉट वॉज their complaint अबाउट जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं उसको जल्दी से रीड करके समझ लेते हैं द पॉलिश ट्राफिक पासड विद माइंड हेड और इफ एवर असाइड अन दिन आउट ऑफ सॉट्स मतलब बिना इच्छा के बिना दिल के

यहाँ से हमें पता चलता है कि पोएट आ, उन रोड साइड स्टैंड्स को देख के बहुत ही कंप्लेन कर रहे हैं और बहुत ही नाखुश हैं उनको बिल, बिल्कुल सिंपथी नहीं आ रही उन हार्ड वर्किंग पुअर पीपल की तरफ बट वो रादर क्या कर रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं और ये लाइंस बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रही है जब उनकी दुकान को ध्यान ना देते वो बोलते हैं कि आपने वहाँ की ब्यूटी को ख़राब कर दिया है आपने वो लैंडस्केप को स्पॉयल कर दिया है डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ की पूरी जगह उपाय कर ले तो ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि पोएट पोएट इन वर्ड्स के थ्रू बताना चाहते हैं कि वो जो पाशर बाय है वो कितने सेल्फिश क्रूबल विकेड इनह्यूमेन है अकॉर्डिंग टू द सिटी फोक्स दिद इन आर्टिस्टिक साइन बोर्ड्स blemish करते हैं द सीनिक ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप उसकी वहाँ की उस लैंडस्केप की उस रोड साइड की जो इतना प्यारा जो सीनिक व्यू बन रहा था उसकी ब्यूटी पे एक धब्बा क्रिएट हो रहा है उसकी ब्यूटी को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं सो ये डिसहार्टनिंग वर्ड्स किसके व्यू हैं सिटी folks के व्यू हैं towards द रोड साइड स्टैंड पीपल towards the द पुअर पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द प्ले ऑफ द फोक हु द रोड साइड स्टैंड जिन लोगों ने उस रोड साइड जो मजबूर हुए हैं रोड साइड पर वो स्टैंड लगाने के लिए उनकी प्ले क्या वट इज द एग्जैक्ट पेन प्रॉब्लम सॉरो डिसअपॉइंटमेंट क्या है उनकी वो हम इस आंसर में डिस्कस करते हैं जल्दी से द रूरल फोक् प्लेडेडिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय एंड बाय सम ऑफ देयर गुड्स कि कोई तो रुके और कोई कुछ तो हमसे खरीद ले एटलीस्ट कुछ क्वान्टिटी तो खरीद ले सिटी फोक्स यूज टू पास बाय ऑन दिस रोड एंड हेंस द रूरल फोक्स सेट ऑफ द रोड साइड स्टैंड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन एंड सेल देयर गुड्स और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो उस पर ध्यान तक नहीं देते दिस इज़ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ देअर पेन देयर सोरो देअर ग्रीफ

ग्रीडी गुड डूअर्स अगर मैं ये पूरा इसको रिप्लेस करूँ द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज तो यहाँ तक हम इसको बोल सकते हैं द ग्रीडी गुड डूअर्स अपीयर टू हेल्प अपियर टू हेल्प दुअर रूरल पीपल बट एक्चुअली डू दे नो गड

वो काम पूरा एंड देन दे किक देम ऑफ तो ये नेगेटिव चीज है येट व्हेन द टाइम कम्स टू डिलीवर देयर प्रॉमिस और जब टाइम फाइनली आ जाता है अपने प्रॉमिस को अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का सो दे आइदर फॉरगेट देम या तो वो भूल जाते हैं them, और फुलफिल देम कीपिंग इन व्यू देयर ओन बेनिफिट्स औरंगरों को फुलफिल करते भी हैं तो अपने बेनिफिट के हिसाब से चीजों को करते हैं वो The poet calls them greedy good doers and beneficent बीस्ट of prey. ऐसे शिकारी जो शिकार ढूंढते रहते हैं उनका पेट भर जाए और बस जान चाहे मर की ओर क्यों ना जाए हु स्वैम ओवर देयर लाइव्स और वो क्या करते हैं हु स्वैम ओवर देयर लाइव्स उनकी लाइव्स पे एक पूरा पूरा लाइफ को हत्या लेते हैं एक जाल डाल लेते हैं उनकी लाइफ को अपने में कब्जे में कर लेते हैं फंसा लेते हैं दीज आर द पुअर वर्ड्स बाय द पोएट फॉर द ग्रीडी गुड सॉरी Also, good -doers तो 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 the poet says that these greedy people make calculated and well thought out shrewd moves. अब पोएट क्या बोलते हैं ये जो ग्रीडी गुड डूवर्स हैं, जो ग्रीडी पीपल हैं ये बहुत ही कैलकुलेटेड बहुत ही सब समझ के आते हैं पूरा जाल बिछा के ऐसा बोलेंगे तो ये और ट्रैप होंगे ये बोलेंगे तो ये तो अपनी बातों में उनको फंसाना बहुत अच्छे से आता है, उनको बहुत अच्छे से लालच की चीजें दिखानी आती the poet says that these greedy people make calculated and well thought out उट्रीड न्यूव बहुत ही चलाकी से किए गए वो जल बिछाते हैं टू विच द इनोसेंट अनर ने फार्मर्स, इनोसेंट फार्मर्स अनजान अन भिगे अन अवेयर फॉल प्रे अब उनका शिकार बन जाते हैं दीज हम्बल एंड सिंपल फार्मर्स और ये जो हम्बल और सिंपल फार्मर्स है दे आर रॉब्ड ऑफ देयर पीस ऑफ माइंड बाई दीज क्लेवर पीपल अब जो उनका जो पीस ऑफ माइंड है वो भी ये लोग चुरा के ले जाते हैं बिकॉज़ एटलीस्ट जब वो रोड साइड स्टैंड पे uh, काम कर रहे थे तो वो शांति से तो लाइफ स्पेंड करते थे अब यहाँ पर तो उनकी शांति भी खत्म हो गई है बिकॉज उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है पोएट सेज़ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स अपने बेनिफिट्स उनपे इनफोर्स करते हैं कि आइडियली उनको फ़ायदा होगा बट वो उनको ऐसा दिखाते हैं कि आप लोगों को और जब हम आप, आप क्या यहाँ पर पुअर लाइफ स्टाइल में रहते हो क्या पुअर लाइफ है यहाँ पर रोड साइड पर स्टैंड लगाया हुआ है गाड़ियाँ आती हैं शोर होता है धूल मिट्टी आती है हम आपको ल, सिटी की लाइफ दिखाते हैं तो उनको सिटी के बेनिफिट्स दिखाते हैं एक्चुअली जो उनके बेनिफिट्स होते हैं तो वो उन पर इन्फोर्स करते हैं बिना उनकी इच्छा से उनको नहीं लगता ऐसा होगा बट ये उनपे इनफोर्स करते हैं दैट आर कैलकुलेटेड दीस बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट उनको सूद करने के लिए उनको रिलैक्स करने के लिए अपनी चालाकी से ये पूरा ट्रैप क्रिएट करते पूरा जाल वो खुद बनाते हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दिस स्लीप ऑल डे और उनको बताते हैं कि स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए बिकॉज़ ये लोग उनको ऐसा दिखाते हैं कि आप लोग शहर में आ जाओगे तो से, चैन से सुकून से पूरा दिन सोते रहना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर और आइडियली बहुत हार्ड वर्कर्स होते हैं ये पूपल होते हैं जो पूरा दिन कड़ी मेहनत करते इंतज़ार करते हैं मेंटली सोचते रहते हैं डिप्रेस होते हैं शौरव फील करते हैं फिर भी कोई नहीं रुकता इनका सामान परचेज करने के लिए बट फिर भी रात होती है थक के लोग सो जाते हैं अब हाँ, सिटी में तो ऐसा भी नहीं हुआ और उनका जो स्लीप पैटर्न था जो उनका एंशंट स्लीप पैटर्न था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता तो वो भी खराब हो जाता है और अब इनको रात की भी नींद नसीब में नहीं होती है डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द वे ये सारी हमें ट्रिगर कर रही हैं अबाउट द अबाउट दैट वोट चीज़ें होती है उनके साथ ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं ये क्या करते हैं दे अपियर टू हेल्प पीपल बट एक्चुअली दे डू डू नॉट एनी गुड ऑफ देम वो अपना ही भला करते हैं सो ये सारी लाइन्स हमें यहाँ पे इस आंसर को सपोर्ट और जस्टिफाई करती हैं हेडिंग विद नेक्स्ट पार्ट What is the childish longing that the poet refers to? Why is it in vain? क्यों व्यर्थ है ये जो बच्चे की एक लंबे समय की एक longing होती है एक तीव्र इच्छा होती है क्यों व्यर्थ हो गई क्यों in vain चली गई Let's look at the answer immediately. The poet thinks that the persons who are running the roadside stand they suffer from a childish longing. जैसे बच्चा होता है ना जिद करता है किसी चीज के लिए जब तक जिद उसकी पूरी नहीं होती उसको चैन नहीं मिलता so

दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स एंड वेटिंग फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वो हमेशा वेट करते रहते कि कोई तो आएगा और कोई हमारे सामान को खरीदेगा देखीप देर विंडोज ओपन टू अट्रैक्ट दे वो अपनी विंडोज़ को हमेशा खोल के रखते हैं कि कोई ना कोई आए तो भाई अगर हम इधर उधर थोड़ा सा ऑक्यूपाई भी हों तो विंडो को एटलीस्ट वहाँ पर देख के हमसे कुछ सामान के लिए पूछ लें देर बिकम सैड वो वन टर्नज और वो बहुत उदास हो जाते हैं जब कोई भी नहीं आता है दे आर ऑलवेज़ वेटिंग टू hear द squeal ऑफ ब्रेक करके जो ब्रेक की आवाज़ आती है वो हमेशा उस ब्रेक की आवाज़ का इंतजार करते हैं बिकॉज़ वो ब्रेक की आवाज़ वो ट्रिगर करती कि कोई उनके शॉप पर रुका है उनके शेड पर कोई रुका है और कोई सामान लेने के लिए आया है इस उम्मीद से उनको बहुत खुशी हो जाती है बट विच इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट ये चीज़ उनको और डिसअपॉइंटमेंट देती है बिकॉज़ वो जो ब्रेक लगती है जो गाड़ी रुकती है वो ये पूछने के लिए नहीं कि सामान लेना है सामान के बारे में इंक्वायरी नहीं करते टर्न लेने के लिए या कुछ रास्ता पूछने के लिए या किसी एक्सवाइजी रीज़न के लिए द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वे इन बट ये सारी जो उनकी उम्मीदें हैं ये सारी कोशिशें हैं ये सिर्फ व्यर्थ में जाती है सिर्फ फालतू की जाती है इनका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव एक्ट कंसिडर करते हैं दैट इज वाई इट इज ऑल इन वेन बिल्कुल फालतू का बिल्कुल वेस्ट हो जाता है Which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor? ab यहाँ par kya bola gaya hai Which ऐसी कौन सी lines हैं जो हमें बताती हैं कि insufferable जिसको वो उस pain को bear नहीं कर पा रहे, अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये pain कौन सा pain जो उन poor लोगों को देख के उनको जो pain हो रहा है that the poet feels at the thought of the plight of the rural uh, rural poor तो वो कौन सी हैं विद लाइन द पोएट इज अनएबल टू बियर ऑफ द एज्यूमिंग एंड इनोसेंट रूरल पीपल अब फिर बहुत ही उदास है बहुत ही दया बहुत ही सैड है द पोएट इज अब वो बता भी नहीं पा इज अनएबल टू बियर द प्लाइट ऑफ द अनज्यूमिंग एंड इनोसेंट रूल हुआ अब वो अपनी पेन बता भी नहीं पा रही अब वो उसको और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो बहुत सौरों से उनका हार्ट पूरा फुल हो चुका है और इस बर्डन को अब वो बियर नहीं कर पा रहे इस लोड को कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये लाइन्स हमें बताती हैं द बिलो लाइन्स Show his sufferable pain. Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thoughts of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there that waits all day. इन ऑल मोस्ट ओपन प्रेयर तो ये लाइन हमें ट्रिगर कर रही हैं कि पोइट की कितनी डीप इम्पथी है सिंपथी है टुवर्ड्स दैट पुअर रूरल पीपल बट वो हेल्पलेस हैं क्योंकि अब वो बहुत कोशिशें कर चुके हैं बहुत ऑब्जर्व कर चुके हैं और कोई भी चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रही है नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर डिस्कशन ऑफ द पोम विच इज वेरी ब्यूटिफुल एंड रिटर्न इन अ मोस्ट अर्जिंग मैनर टू आई होप आप भी प्रोवोक हुए हो एंड माई पर्सनल मैसेज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटायर पोम माई रोबोट एलि फ्रॉस्ट इज दैट कि जब भी आप पर्सनली अगर रोड से ट्रेवल करते हो और रोड साइड कोई छोटे से ऐसे वेंडर्स दिखते हैं इन हट्स में या इन शेड्स में सो प्लीज डू स्टॉप एंड डू परचेज समथिंग दिस इज़ माय मोस्ट हिमबल हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेप अप अकेडमी सो आई होप यू लिटरली एंजॉय द वीडियो एंड यू लर्न द मैसेज विच एग्जैक्टली द पोए एंड I want to convey. Thank you very much for watching the video.